नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सलोनी। चलिए रुक करते हैं समाचार की ओर। का शिवालय गिरने पर पहले के मलबे में दबी दूसरी महिला कांति देवी जानगिर ने SM अस्पताल में आखिरी सांस ली के बेटे राजेश उर्फ साजन ने अपनी मम्मी की दोनों आंखें दान कर दो जिंदगियों को दुनिया दिखाने का काम किया। यह घटना 17 जनवरी 2023 की है। शिवालय गिरने से दो महिलाएं तभी थी, सीमा देवी अग्रवाल की मौत 17 तारीख को जयपुर ले जाते समय हो गई थी और कांति देवी जानगिर को जयपुर रेफर कर दिया था, जो 15 दिन मौत से लड़कर आज अंतिम सांस ली। सीमा देवी के मरने के पश्चात सर्व समाज ने, भाजपा नेताओं ने बॉडी रखकर दो दिन प्रदर्शन किया। उसके बाद किरोड़ी मीना के आने पर 21 लाख रुपए देने के आश्वासन पर धरना तोड़ा और सीमा अग्रवाल का दाह संस्कार किया। उस टाइम पर भी किरोड़ी लाल जी ने मृतका के साथ कांति देवी जानगिर को भी उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलवाया था, वह आज तक पूरा नहीं हुआ। अब कांति देवी जानगिर की मौत के बाद दोबारा से सर्व समाज इकट्ठा होकर फिर से धरने पर बैठ गए हैं। अब कांति देवी की बाड़ी रखकर सर्व समाज के लोग भाजपा नेता कांग्रेसी सरकार को कोस रहे हैं। देखने में आया कि कांग्रेस के मंत्री रमेश मीना पहले भी नहीं आए और अब भी नहीं आए। जानगिर समाज के नेता कई जगह से सपोर्टरा पधारे और कहा कि हम जब तक दाह संस्कार नहीं करेंगे, जब तक हमें उचित न्याय नहीं मिल जाता और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो जाती। यही बात भाजपा नेता दिकोलिया एवं अन्य नेताओं ने भी दोहराए और दोनों समुदायों को पूर्ण समर्थन देने की बात कही कि जब तक दुखियों को नहीं मिल जाता हम यहां से हटेंगे नहीं, यही धरने पर बैठे रहेंगे। धरने पर बैठने वालों में भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजलाल दिकोलिया, विजय बंसल, गजेंद्र सिंह, रूप सिंह, मीना भूर सिंह, मीना तुर सतपुरा और कई गणमान्य नेता उपस्थित थे। समाज के नेताओं में पूर्व जिला अध्यक्ष वर्तमान दिल्ली महासभा की प्रधान मूलचंद भारतीय, वर्तमान जिला अध्यक्ष जगदीश जानगिर, सवाई माधोपुर जिले के महामंत्री घनश्याम जानगिर, जिलाध्यक्ष राजकुमारी जानगिर, ओम प्रकाश चौटाला गुड़गांव से, हरिओम जानगिर, प्रकाश जानगिर और कई गणमान्य नेता मौजूद थे। सभी का एक ही लक्ष्य, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई एवं मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की और जानगिर समाज के नेता व भाजपा नेता और सर्व समाज के लोग इसी बात पर अड़े हुए हैं कि बॉडी का दाह संस्कार तभी होगा जब हमारी बातें मान ली जाएगी। धरना स्थल पर सपोर्टरा SDM राजकेश मीना ने आकर परिजनों से इस दुख की घड़ी में पूर्ण सहायता की बात कही। इन मौतों पर कांग्रेस के मंत्री रमेश मीना ने आज तक आकर कोई बात नहीं कि सर्व समाज ने रमेश जी के इस व्यवहार पर नाराजगी व्यक्त की। कहा है, ऐसे मौकों पर हमारी मदद नहीं करेंगे, ऐसे मंत्री को हम क्या करेंगे। फिर भी सर्व समाज की यही इच्छा है, यह भी आकर मृतका के परिजनों को इंसाफ दिलाएं। फिर एक बार सर्व समाज के लोगों ने वही बात, दो राय की, मृतकों के परिजनों को मैं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, हम यहाँ से उठेंगे नहीं, ना ही बॉडी का दाह संस्कार करेंगे। रिपोर्ट अशोक कुमार, जानगिर सपोर्टरा करौली।